नमस्कार, सूर्या एस्ट्रो वास्तु के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप 9 प्लैनेट्स 9 ग्रहों को हम कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आज जैसे कि हमें ये देखना है कि सरकारी नौकरी में मान लीजिए हम है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में कोई समस्या हो रही है, स्किन से संबंधित कोई डिजीज हमें हो रही है, पीलिया या हड्डियों में कोई दिक्कत हो रही है, पीलिया से संबंधित कोई बीमारी या हड्डियों में हमारी कोई परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा सूर्य ग्रह सन जो है प्लेनेट वो डिस्टर्ब है, वो हमें फेवर नहीं कर रहा है। इसको अपने फेवर में करने के लिए अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो अपने साथियों के साथ और अपने पिता के साथ हमें अपने रिलेशंस इम्प्रूव करने हैं, उनको प्रॉपर रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, उनको खुश रहना है, रखना है। अगर हम ये कर लेते हैं दोस्तों तो हम अपने सूर्य ग्रह को, इस प्लेनेट को अपने फेवर में कर सकते हैं और ये जितनी परेशानियां हैं इससे हम आराम से बच सकते हैं। इस तरीके से अगर मानसिक कोई रोग या बीमारी है, कोई दमा से संबंधित, कोई कब्ज से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या पथरी की कोई शिकायत हो रही है या लेडीज के अंदर मंथली साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित जानिए कि हमारा चंद्रमा जो मून हमारा प्लेनेट है वो डिस्टर्ब है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में अगर हम अपना रिलेशन माता जी के साथ, मदर के साथ अगर हम सही रखें, उनको प्रॉपर रिगार्ड दें, सम्मान दें, तो निस्संदेह हम अपने चंद्रमा ग्रह को, मून को हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, फेवर में कर सकते हैं और इसके हेल्प से इन परेशानियों से हम आराम से बच सकते हैं। मान लीजिए लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स की शिकायत हो रही है, हाई बीपी की समस्या आ रही है, तो निश्चित जानिए कि हमारा मंगल ग्रह मार्स जो है वो डिस्टर्ब है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे में इसको फेवर में करने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए हमारे जो फ्रेंड सर्किल है और हमारे जो भाई हैं अपने रिलेशन में, उनको हम पूरा सहयोग दें, सम्मान करें, आदर दें। अगर ये हमसे प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंगल ग्रह अपने आप सही हो जाएगा, जिसकी सहायता से हम इन सब परेशानियों से आराम से बच सकते हैं। आगे जीवन में देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, वाणी में बोली खराब हो जाती है और गले में कोई समस्या आ रही है, नाक से कोई दिक्कत हो रही है, नाक के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हानि हो रही है और अस्थिरता हो रही है, तो इसका मतलब हमारा बुध ग्रह मरकरी जो है डिस्टर्ब है। इसको ठीक करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए जो हमारी अपनी बहन है, मौसी है, मामा है, अगर इनके साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल अच्छा हो जाए, सौहार्दपूर्ण हो जाए और ये उनसे प्रसन्न रहें, इनको पूरा आदर सम्मान दे, तो हमारा बुध ग्रह ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, जिसकी वजह से हम इन परेशानियों से आराम से बच सकते हैं। हम पूजा में मेरा मन नहीं लगता, मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे में कमी आ रही है, खर्च बढ़ रहा है, विवाह में मैरिज में देरी हो रही है, पेट में कोई रोग समस्या आ रही है, गठिया की कोई शिकायत हो रही है और आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है, तो ये मान के चलिए कि आपका गुरु जुपिटर बृहस्पति ग्रह जो है आपका, ये कुछ डिस्टर्ब है जो आपको पूरा सपोर्ट लाइफ में नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारे जो पुरोहित हैं, जो गुरुजन हैं या बुजुर्ग हैं, अपने इन सब लोगों के रिश्तों को अगर हम अपना सही कर लेते हैं, इनसे अपना रिलेशन कायदे से रखते हैं, ये हम इनको पूरा सम्मान दें, आदर दें, सत्कार दें, तो निश्चित जानिए कि हमारा जुपिटर बृहस्पति ग्रह जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, जिससे ये होने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। लाइफ में मान लीजिए आपके पास वाहन है, उससे कष्ट हो रहा है आपको, डायबिटीज की कोई शिकायत हो रही है, हार्निया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूनिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज को गर्भाशय में कोई रोग या कोई परेशानी हो रही है, तो निश्चित जानिए साथियों कि शुक्र ग्रह वीनस हमारा डिस्टर्ब है। इसको अपने फेवर में करने के लिए जो हमारी माताएं बहने हैं, जो स्त्री एक वर्ग है, स्त्री वर्ग और पत्नी, इससे अपने रिलेशंस को हम बहुत इम्प्रूव करें,
उनको पूरा आदर दें, सत्कार दें, पूरा मान सम्मान दें, तो निश्चित जानिए कि हमारा जो है शुक्र ग्रह मजबूत होगा और इससे होने वाली परेशानियों से हम आराम से बच सकते हैं। नौकरी में परेशानी हो रही है, आपको वायु से संबंधित कोई रोग हो रहा है, गैस बन रही है, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ रही है, भूत प्रेत का बार बार मन में कहीं भय लगता है और पैरों में तकलीफ रहती है, तो निश्चित जानिए कि आपका शनि ग्रह आपको फेवर नहीं कर रहा है। ऐसे में इसको फेवर में करने के लिए, इससे परेशानियों से बचने के लिए जो हमारे साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, सेवक हैं, इनको हम पूरा सम्मान दें, इनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाएं, तो ये इन दिक्कतों से हम बच सकते हैं, हम अपने शनि सैटर्न ग्रह को अपने फेवर में करके। मान लीजिए अहंकार आदमी में ज्यादा हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है उसको, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग, कुछ इस तरीके की परेशानी लग रही है, भूत प्रेत का कुछ ऐसा भय लग रहा है, तो निश्चित जानिए कि राहु जो है आपका डिस्टर्ब चल रहा है। राहु अगर आपका डिस्टर्ब है तो आप अपने ससुराल पक्ष का पूरा ख्याल रखें। अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो इस ग्रह को, राहु ग्रह को आप अपने फेवर में कर लेंगे और ये होने वाली दिक्कतों से आप आराम से बच सकते हैं। जादू टोना का भय बार बार आपको परेशान करता है, कोई छूत की बीमारी आपको लगने की संभावना है, जैसे लग रही है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द की शिकायत रह रही है, चेचक की इस तरीके की कोई शिकायत आपको अगर आ रही है, तो इसका मतलब आपका केतु ग्रह आपको फेवर नहीं कर रहा, ये आपके पक्ष में नहीं दिखता है, जिसकी वजह से ये परेशानी आपको हो रही है। ऐसे में अगर ननिहाल पक्ष, जो आपके रिश्ते में ननिहाल का पक्ष है, अगर आप उसको बिल्कुल पूरा सम्मान दें, उनका रिगार्ड करें, उनसे आप ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, तो इन परेशानियों से आप बच सकते हैं, केतु आपके फेवर में आ जाए। तो इस तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर अपने पर्सनल रिलेशंस को अगर हम अपना इम्प्रूव करके बढ़िया करके चलें, तो ये 9 प्लेनेट्स सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को हम किस तरीके से अपने फेवर में कर लेते हैं और इनसे होने वाली परेशानियों से बिना पैसे में हम आराम से इसको अपने बच सकते हैं और इनको फेवर करके हम लाइफ में और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपने देखा इस 9 ग्रह को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने पर्सनल रिलेशंस के उस पर। फ्रेंड्स, और जानकारी के लिए नीचे दिखाए गए नंबर्स पर ईमेल आईडी के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए और कमेंट के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक के जरिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर नए किसी वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आपको ईश्वर सभी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमस्कार।